अस्सलाम वालेकुम, मैं रिमशा डिज़ाइनर की तरफ से शाहना परवीन आपका स्वागत करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बुलेरो जैकेट बनाई, ये देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। देखिए इसमें स्लीव्स भी हमने फुल बनाई है और ये हमने इसका पार्ट वन पहले ही अपलोड कर दिया जिसमें हमने ये हाफ बाजू की बनाई थी। अब हमने इसका पार्ट टू में बाजू बनानी बताई है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इसकी स्लीव्स बनानी आपको बताते हैं। इस स्लीव को बनाने के लिए देखिए, ये जहाँ से हमने ये आस्तीन ज्वाइंट करी थी, जो ये हमारे लूप था, इसमें हमें इस सारे ऊन को ज्वाइंट करना है। ऊन ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे दो चैने बनानी है। दो चैने बनाने के बाद देखिए, ये जो हमारा इसी स्पेस में से दो चैने बनाने के बाद अब हमें यहाँ पे तीन बार डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए तीन बार चैन को काउंट करा तो दो बार हो गई, और ये तीन बार। अब यहाँ पे हम दो चैने बनाएंगे। दो चैने बनाने के बाद इसी स्पेस में हम तीन बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे। देखिए तीन बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे हम। देखिए तीन बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए नेक्स्ट वाला जो हमारे स्पेस है इसमें हम देखिए इस लूप में डालेंगे और फिर तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, 10 रो ये हरे की बनाई है और 2 रो मैंने ये येलो कलर की यानी पीले कलर की बनाई है। चलिए अब हम ये पूरी 10 रो हरे की कंप्लीट करते हैं और 2 रो ये पीले की भी इसी मेथड से हम कंप्लीट करते हैं। फिर आपको ये कंगूरे बनाना बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी आस्तीन बन के बहुत अच्छी लग रही है, इसी मेथड से हम इसको भी बनाएंगे। देखिए ये आस्तीन भी हमारी इसी प्रोसेस से हमें इसमें 10 रो कंप्लीट करनी है। देखिए 3 रो हमने यहाँ तक बना ली हैं, अब 7 रो और बनाएंगे। 7 रो बनाने के बाद में हम येलो कलर की 2 रो और बनाते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं कि इसमें आगे हमने ये जो पफ बनाए हैं ये किस तरह से बनाए हैं, फिर इसका हम आपको बना के बताते हैं। चलिए इसकी हम पहले 10 रो पूरी करेंगे, फिर 2 येलो की पूरी करने के बाद आपको आगे दिखाते हैं। हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है, देखिए ये आस्तीन हमने इतनी कंप्लीट कर ली है। देखिए यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और देखिए 10, 10 रो ये हमने हरे की कंप्लीट करी है और देखिए 2 रो हमने ये पिंक कलर की पीले कलर की कंप्लीट करी है। देखिए अब हम इस स्लीव्स में भी हमने ऐसे ही बिना 2 रो ये कंप्लीट करने के बाद में अब हमने देखिए छोटे छोटे से जो इसमें पफ बनाए, चलिए ये बनाना स्टार्ट करते हैं इसमें। देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो हमने हरा ऊन इसमें भी कट नहीं करा था तो इसमें हम करने के बाद अब हम इसमें 3 चैने बनाएंगे।